अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। शाद रहे आबाद रहे ये मुल्क, ये दुआ ज़बान ज़दे आम होनी चाहिए। हकूमतें, एहतजाज, सियासत, ये तो चलता रहता है बनाम सरकार। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन अनाउंस किए जाए। देखिए, जनरल इलेक्शन तो अक्टूबर में ही होगा। अगर तो मार्च के एंड तक आप तैयार हैं इलेक्शंस के लिए तो हम रुक जाते हैं। हमने मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जो हैं वो आज से शुरू कर दी, और वो इस्तकबाल जो है इंशाल्लाह ताला वो इलेक्शन का फैसला भी कर देगा। अक्सर कहा जाता है बचपन के दिन बड़े अच्छे हैं, स्कूल जाओ, घर आओ, पार्क में जाओ, झूले लो, सुकून करो। ये नहीं पता था कि सारी ज़िंदगी झूले मिलते रहते हैं, कभी घर के मुआशी हालात, कभी मुल्की हालात, कभी सियासतदान भी आवाम को झूले दे रहे हैं, कभी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है एहतजाज के नाम पर, सपोर्ट के नाम पर, इलेक्शन कैंपेन के नाम पर, वोट लेने के नाम पर, फ़लां लीडर आ जाएगा तो ये हो जाएगा, फ़लां सियासी जमात इक्तदार में आ जाएगी तो ये हो जाएगा, और वो सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं। झूलते झूलते आवाम वो ख्वाब देखते भी हैं, उनकी ताबीर के लिए सोचते भी हैं, और ये भी डिसाइड करते हैं कि हमने अपना मुस्तकबिल और अपना जो किस्मत, अपनी किस्मत है वो ख़ुद लिखनी है। आज हम आवाम से जानते हैं और उनसे जाकर पूछने की कोशिश करेंगे, झूले मिल रहे हैं, खुश हैं, नहीं हैं, इलेक्शन हो जाने चाहिए, नहीं होने चाहिए। इस वक्त मुल्क में चल क्या रहा है? एक तरफ एहतजाज चल रहा है, रैली दोबारा से शुरू हो गई लाहौर में, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। अब मार्च में इलेक्शन होंगे या अक्टूबर में होंगे, असल में खिचड़ी पक क्या रही है और आवाम उसको कैसे खाना चाहती है, उन्हीं के ज़माने जानेंगे। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? वसीम भट्ट। वसीम भट्ट सर, मुझे लग रहा है हुक्मरान जो है ना आवाम को झूले दे रहे हैं। हाँ जी, हर सियासी जमात ऐसी ही है। ठीक है, मज़ा आ रहा है झूले लेके? हाँ जी, बहुत मज़ा आ रहा है। पींगे चढ़ रही हैं? हाँ जी। किसकी, आपकी या सियासतदानों की? हमारी चढ़ रही है। हमारी चढ़ रही है, सही बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, तरीके साहब कहती है जल्दी इलेक्शन होने चाहिए, वफाकी हुकूमत कहती है टाइम पूरा होगा, जो मर्जी कर लें, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए इस वक्त? टाइम तो अब होने वाला है, ये थोड़ा 6 माह सब्र कर लें तो अच्छा है, उनका भी रिजल्ट पता चल गया, वाम को इनका भी पता चल गया। ये अब उनको मौका पूरा मिलेगा तो वो कहेंगे हमें पूरा मौका मिला, अब इनको मौका मिलेगा वो कहेगा हमें पूरा मौका दिया। खान साहब यही तो कहते हैं, मुझे मौका पूरा नहीं दिया, तो ये बात इनको भी 4-5 महीने ये सब्र कर ले वाम, उसके बाद उनको मौका दिया। लेकिन साहब वाले वैसे आपको लगता है सब्र करेंगे, क्योंकि वो तो मुसलसल एहतजाज रैलियां जलसे, उनकी इंद्रियां आराम हुई हैं कि हमें बस ये कुर्सी मिल जाए। ठीक है, तो कुर्सी चाहिए सर, तो सबको कुर्सी चाहिए होती है, यही बात है। वाम पागल है जो हम इनके पीछे भाग रहे हैं, हमें चाहिए कि आपने जो भी है ना अपनी मेहनत करके अपने बच्चों को पलाएं। वो ये तो सब कर रहे हैं सर, मुश्किल हालात तो आपके सामने हैं कि 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए लोग सारा सारा दिन मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब सुना है वापस आ रहे हैं, आपके ख्याल में उनको आ जाना चाहिए, सियासत का हिस्सा बनना चाहिए? नहीं आना चाहिए, क्या करेंगे वो आके? वो आगे कुछ ना कुछ बेहतरी करेंगे। कैसे? वो तो जेल भुगतेंगे ना, नहीं नहीं सजा हुई वो तो उनके केस चल रहे हैं ना। नहीं नहीं, केस में सजा हो गई थी? नहीं नहीं, हो गई थी, होगी थी, लेकिन वो आएंगे तो कुछ ना कुछ वाम के लिए करेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि आपकी उम्मीद है? हाँ जी, कि नवाज शरीफ साहब बेहतरी करेंगे, आएंगे तो कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? जी अल्लाह शुक्र। नून लीग ये चाह रही है कि इंतखाबी दंगल में वो भी अपनी सियासत में तहरीक शुरू करें, और अब ये खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद वापस आ जाएं अगले महीने तक, मैक्सिमम कहा जा रहा है। आपको लग रहा है कि सियासत में उनकी वापसी ज़रूरी है? जी ज़रूरी। क्या होगा उनके आने से? आने से क्या होगा, ये खान साहब ने जो ये किया हुआ है 6 माह से, सारी मैशियत का बेड़ा गर्क हो गया हुआ, आपको भी पता है कारोबार सारे ठप हैं, मतलब उनको आना चाहिए और अपना रोल अदा करना चाहिए। आपको लग रहा है कि ये जो पूरा मुल्क का आपको पता ही है कि जब तक वो इक्तदार में थे सब कुछ ठीक था, जो
नीचे आके तो सबको गलत हो गया, सारे दारे गलत, वो अकेले ठीक है। अभी वो एक तहरीक चला रहे हैं, अब दोबारा से लाहौर में जलसे और रैलियां निकलेंगी। खान साहब कुछ भी नहीं होगा, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, अब कुछ नहीं होगा। तो जो एहतजाज करेंगे वो कुछ भी नहीं होगा, जो मर्जी ये कर ले, जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, अब नहीं कुछ होगा। क्या मतलब कुछ नहीं होगा? मतलब क्या? उनको मीडिया तक इनके खिलाफ हो गया, ऐसे है कि नहीं? आप बताएं जरा। मीडिया तो वो दिखाता है जो चल रहा है। नहीं, अभी सारा कुछ नहीं, पहले जब तक इनके पीछे फौज थी सब कुछ था, अब कुछ भी नहीं, अब कुछ भी नहीं। और आपको लग रहा है नून लीग का बेहतर टाइम आने वाला है? और बेहतर अभी तो लोग नाराज हैं हुकूमत से भी, वफाकी हुकूमत से भी, पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा, महंगाई कर रहे हैं, होने वाला सस्ता, आपको उम्मीद है मियां साहब से? जो काम जो भी अच्छा करेगा हमें सबसे उम्मीद है, उन सबसे उम्मीद है। अब ये प्रवीण ने किया कच्ची बात, ये 112 भी उन्होंने किया था, तो वही है वजीर आला पीटीआई के। अप्रिशिएट करते हैं ना, हाँ। मतलब जो जिसने जो अच्छा काम किया उसको अप्रिशिएट करेंगे, पार्टी से लेना देना नहीं, पार्टी से नहीं, ठीक है। और खान साहब ने अच्छे काम नहीं किए? नहीं किए, कोई एक काम बता दे चार सालों में, बता। मैं उनका कोई सपोर्टर ढूंढ के ला दूं, आपको सैकड़ों गिनवा देंगे, गिनवा देंगे, हां सामने खड़ा कर दे मेरे, बहस करने को तैयार है, ठीक है, मतलब इतने कॉन्फिडेंट है, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपकी? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? आबिद। आबिद भाई मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, खान साहब ये तहरीक चला रहे हैं, नून लीग कह रही है जी हमारे बड़े मियां साहब वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाकायदा नून लीग की सियासी लगाम को पकड़ लेंगे वापस आके, सही होगा। क्या देख रहे हैं आप, क्या होने लगा सियासी मुस्तकबिल पाकिस्तान का? एक तो मियां साहब वापस नहीं आते, नहीं आएंगे, बिल्कुल सवाल नहीं पैदा होता। अयाज सादिक साहब कह रहे हैं, मरियम नहीं, नहीं, वो ऐसे कह रहे हैं, अगर वो आएंगे भी सही तो उनका इधर कोई वोट बैंक नहीं है अब। अच्छा, तरीके इंसाफ बहुत आगे जा चुकी है, नई जनरेशन जितनी भी है वो सब तरीके इंसाफ के साथ है। आप पूरी मार्केट में घूम लें, आपको नून लीग का कोई बंदा नहीं नजर आएगा। अभी एक भाई जिनसे मैं बात कर रही थी ना, आप देख रहे थे, वो नहीं, वो बुजुर्ग बुजुर्ग रह गए हैं, जो पुराने बंदे हैं जिन्होंने काफी मुल्क को खाया हुआ है, वो ही उनके साथ है। नई जनरेशन ये सारी खड़ी है, सब तरीके इंसाफ की है। अब ये लोग ये जो है ना, ये मियां साहब के साथ नहीं चल सकते, ठीक है। मुल्क हमारा बहुत, समझ आ रही है आपको? मुझे तो वो भी बड़ी कंफ्यूज लगी है। तरीके इंसाफ को तो टाइम ही नहीं मिला, चार साढ़े चार साल वो सारी उन्होंने हुकूमत की है और इन्होंने उनसे छीन लिया है हुकूमत। अभी उसको अब जो कर रही है, अब जो सियासी क्यादत कर रही है, अभी आप इलेक्शन, अभी आपने जो एक तरफ वो अनाउंस करते हैं जी रिजाइन कर देंगे, हमें समलिया छोड़ देंगे, कानूनी उसी आपने जो किया पीछे है, ये पिछले दिनों में जो इलेक्शन हुआ है जिमनी, उसमें तरीके इंसाफ सबसे आगे रही है। अभी आप इलेक्शन, अभी रीसेंट टाइम्स की बात कर रही हूं, अभी आप अभी यही तो अनाउंस करते हैं फिर देते नहीं है। नहीं नहीं, अभी आप कह रहे हैं जी मार्च में इंतखाबात की हमें डेट दे दें, हम मुजाकरात करने को तैयार हैं। नहीं, अभी इसीलिए वो इमरान खान कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं, जिसको आवाम चाहती है उसको वो आगे ले आए, अगर मियां साहब को वोट देते हैं तो मियां साहब आगे आ जाएं, अगर इमरान खान को लोग पसंद करते हैं तो वो आगे आ जाएं। आपके ख्याल में अर्ली इलेक्शन हो जाने चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन के बगैर तो हल ही नहीं है। टाइम पे नहीं होने चाहिए? नहीं, टाइम तो टाइम जितना टाइम गुजरेगा मुल्क उतना पीछे जाएगा। अच्छा, जो मुल्क के हालात जा रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पेट्रोल की कीमत देख लें आप, घी की कीमत देख लें, चीनी देख लें, आटा देख लें, लोगों के पास मजदूरी नहीं है, रोजगार नहीं है, सब हम इधर सब मुआशी तौर पर लोग परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आप बात करना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आ जाती हूँ। जी जी बिस्मिल्लाह जी। भाई कह रहे थे तहरीक इंसाफ का बोलबाला है अब, और नून लीग का कोई वोटर नजर नहीं आएगा आपको कहीं पर। मैं इतफाक नहीं करती क्योंकि मुझे मिलते रहते हैं, मिक्स ही मिलते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक का पलड़ा भारी है या हल्का। इस वक्त आपके ख्याल में क्या वाकई में मार्च 2023 में इलेक्शन हो जाने चाहिए जो पीटीआई मुतालबा कर रही है? बेटा बात यह है कि इलेक्शन जब तक नहीं होंगे ना, तब तक सियासी कश्मकश रहेगी। ये भानमती का कुंभा है, ये सब डाकू चोर मिले हुए हैं। मोहसिन दावड़ जो धमाके करवाता था उसको वजीर बना दिया है। अब 26 किलोमीटर की हुकूमत है इनके पास और वजारा इनके पास 75 है। एक किलोमीटर में 3 वजीर हैं। ये हमारी हड्डियां भी जो है ना, जिस तरह पावे नहीं पकाते, अब मांस इन्होंने नोच लिया, हमारा चर्बी नोच लिया, अब जो हड्डियां रह गई हैं ना उनको इन्होंने चूल्हे पे रखा हुआ है, टीन में डाल के उसमें से निकाल रहे हैं हमारा शोरबा,
मिखे निकाल रहे हैं हमारी। अंकल आप खाने पीने की बातें क्यों कर रहे हैं, सियासी बातें करते हैं, आपकी बात बिल्कुल मेरी बात सुने, मैं आपको मेरा एक सवाल सुन ले, मेरा एक सवाल सुन ले। हर कोई सियासी जमात सियासत कर रही है जी जी। मुझे कोई एक सियासी जमात बता दें जो अवामी मसाइल के ऊपर ना सिर्फ बात कर रही है बल्कि बता रही है कि हमने अपने टाइम पे ये किया था, अब हम दोबारा आएंगे तो हम ये करेंगे। आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास भी तो पंजाब की हुकूमत है ना, पंजाब में मुझे बताएं आपको कुछ बेहतरी नजर आ रही है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हालात बेहतर हुए हैं? मेरी बात सुने, मंडी से आपको 70 रुपए प्याज मिले मिसाल के तौर पे, मार्केट में आपको 150-200 मिल रहा है जी जी, कीमत का फर्क कौन तय करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन की तरह है, मेरी बात सुने जी। ये मेन इंस्ट्रक्शन जो है ना ये वफाक से आती है, नहीं सुबह खुद मुख्तार नहीं है। मेरी बात सुने, एडमिनिस्ट्रेशन मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने, मेरी पूरी बात सुने ना आपको। सूबों का पता है कितना कितना पैसा देना है वफाक ने, अरबों रुपए देने हैं तो नहीं, खान साहब के टाइम पे भी देने थे, नहीं दे रहे, सिंध वाले रो रहे थे मुझे याद है। बात हम कर लेते हैं, इस वक्त आपको लगता है कि मुल्क के हालात अर्ली इलेक्शन बेहतर कर सकते हैं? अर्ली इलेक्शन बेहतर हो सकते हैं क्योंकि जब तक दो तिहाई अक्सरियत से कोई पार्टी नहीं आएगी वो कोई फैसला नहीं कर पाएगी। अगर आप इमरान खान साहब की बात करते हैं कि 3.5 साल उन्होंने गवर्न किया मगर उसके बैक साइड पे टांगे खींचने वाले बहुत लोग थे, तो खान साहब मसलन थे, फिर एस्टैब्लिश, फिर वो क्यों ऐसी कुर्सी चाहते थे जहाँ पर उनकी टांगे खींचने वाले थे? तो मेरी बात सुने ना, मेरे साथ इदारे ऑन पेज थे, जब आप इक्तदार में नहीं रहे इदारे ऑन पेज नहीं रहे, वो कहते हैं मेरे साथ डबल गेम हो गई। तो खान साहब इतने समझदार और जीशौर तो हैं ना कि उन्हें पता होना चाहिए था कि क्या चल रहा है। मेरी बात सुने, आप ही की बात सुन रही हूँ। जो खान साहब है ना वो इंतहाई सादा और सच्चे आदमी है, ठीक है, उनके दिल में बात नहीं ठहरती। हालांकि सियासत जो है ना ये झूठ झूठ का नाम है, वो झूठ बोल नहीं सकते हैं। अच्छा ठीक है, वो जो उनके दिल में होता है वो बता देते हैं, ठीक है, वो चीज मंजरे आम पे आ जाती है और वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। मेरी बात सुने, अब ये जो वजीर आजम बैठा हुआ है शहबाज शरीफ जी जी, उससे बेहतर तो इनको वजीर आजम बना देते। यानी वजीर आजम बनाने के लिए हुकूमत में लाने के लिए अरबों की करप्शन करनी पड़ती है, साबित हुई है करप्शन जी, साबित हुई करप्शन। अच्छा मैं ही वजीर आजम हूँ, मैं चोरी करूँ तो साबित कौन करेगा? जब ऑपोजिशन में थे तब भी साबित नहीं हो सकी थी, खान साहब अपने दौर में भी साबित नहीं कर सके थे। सही कह रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मैं और लोगों की तरफ भी जाऊंगी। साहब जो माशाल्लाह अब रिटायर हो चुके हैं जी जी, उन्होंने कहा था कि करप्शन के बारे में बात ना करें। बाजवा साहब 3.5 साल बहुत अच्छे रहे, खान साहब की कुर्सी गई, बाजवा साहब खराब हो गए। कोई बात नहीं जी, आए हम और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या बने हुए? लिफाफा। क्या बने हुए? लिफाफा। मैंने आपसे आर्ग्यू किया, वो भाई नूनी की बात कर रहे थे उधर, मैं पीटीआई की साइड ले रही थी। नहीं ठीक है, मेरा सवाल है, काउंटर सवाल चैनल तो बिके हुए हैं, सिर्फ बोल ही। आपके पास सबूत है? आपने मुझे लिफाफा बोल रहा है, बोल, आपने मुझे लिफाफा कहा, आपके पास सबूत है? सबूत है, कसम खा सकते हैं, हल्फन कह सकते हैं, मैंने पैसे लिए, मैं कह सकती हूँ मैंने नहीं लिए, आपने नहीं, मैं हल्फन कह सकती हूँ, मेरा नाम सीमल हाशमी है और मैं हल्फन कह सकती हूँ, मैंने आज तक किसी से एक रुपया नहीं लिया ना, तो आप मतलब सर इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, मेरा काम है। आपने मुझे कहा आप लिफाफा है, बैठे हुए हैं ना, आपने अभी मुझे कहा आप लिफाफा है, अभी आपने मुझे कहा लिफाफा है, आपने उनको पैसे लेते हुए देखा? 42 सारे लिफाफे कैसे हल्फन कह सकते हैं? हल्फन कह सकते हैं? इल्जाम लगाना आसान है ना भाई, जो भी करप्शन के हक में बोलेगा साबित करें, जो भी करप्शन के हक में आपके बोलेगा खड़ी हूं, जो भी करप्शन के हक में बोलेगा गलत बात, जो आप अगर साबित करेंगे मैं यहाँ खड़ी हूँ, करें साबित, मैं मान के जाऊंगी मैं लिफाफा हूँ। इल्जाम लगाना आसान है, काउंटर आर्ग्यूमेंट करने वाला हर शख्स लिफाफा नहीं होता। आप जो कह रहे हैं मैंने 10 दफा बोला आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ तो मेरा हक है ना आपसे बात करना। हाँ, नहीं बात करें। हाँ चले, मान गए हैं कि मैं लिफाफा नहीं हूँ, अगर ना होती तो साबित करते हैं। यहाँ पर पूरा एक मजमा लग गया और लोग खड़े हो गए हैं, और किसी और ने बात करनी है भाई, कोई इंटरेस्टेड है बात करने में यहाँ पर? नहीं, ये आई थिंक तरीकेकार है, जब आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे तो आप उनसे पूछें कि साबित करो यार, आप हल्फन बताओ कि हूँ मैं सहाफ़ी और हूँ मैं लिफाफा, तो फिर बात बने भी। बहस बराए बहस, इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम, ये हमारी सियासत ही नहीं बल्कि मौशी इकदार का भी हिस्सा बनता जा रहा है। आई थिंक इसको ना सिर्फ डिस्करेज करने की ज़रूरत है बल्कि हौसला और तहम्मुल लाने की ज़रूरत है कि आप सामने वाले की बात सुन सकें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हूँ। वेलकम बैक
नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सवाल बड़ा सिंपल सा है, इस वक्त मुल्क को क्या बचा सकता है, इलेक्शंस या मुल्क को ऐसे ही चलने देना चाहिए और आइनी मुद्दत हुकूमतें अपनी पूरी करें और अपने टाइम पर इलेक्शन हो। सब जमातें जो हैं वो इस वक्त कहीं ना कहीं इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं, तहरीक चला रही हैं, चाहे पहले हो या बाद में हो। आवाम क्या सोचती है वो आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सर आपके ख्याल में इस वक्त नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए? नवाज शरीफ को वापस आना या ना आना, इलेक्शन अर्ली नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए, उससे क्या नुकसान होगा? नहीं, करोड़ों रुपये अपने इलेक्शन पे खर्च आते हैं, महंगाई तो पहले बहुत है जो इमरान खान के दौर से शुरू हुई है। महंगाई जो है इमरान खान ने अपने शुरुआत की है, इमरान खान साहब के दौर से महंगाई शुरू। हाँ बिल्कुल, पौने चार साल उसने महंगाई की, दिन ब दिन महंगाई की। मैं ये बात कहूंगी ना तो लोग मेरे पे इल्जाम लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ लोगों को, आप साइड ले रही हैं, आप लिफाफा हैं। मैंने एक सवाल, मैं नहीं कहता लिफाफा, वो हर आदमी की अपनी नेचर है। ये किसी पे इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है, उसे साबित करना बहुत मुश्किल है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अर्ली इलेक्शन आपने कहा नहीं होने चाहिए, तहरीक इंसाफ का पूरा जोर है कि मार्च में इलेक्शन की डेट दे दें? नहीं, तहरीक इंसाफ के दौर में अपने ये इदारों में करोड़ों अरबों रुपये करप्शन में इमरान खान किधर से, ये करप्ट बाप का बेटा है। अच्छा, हाँ आपको लगता है उन्होंने करप्शन खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया? वो सियासतदान, सियासत का उसे पता ही नहीं, उसे साल की स्ट्रगल है उनकी। उसे सियासतदान कहने गला है, वजीर आजम है। हाँ बस छोड़ो, मैं कह रहा हूँ आपको लगता है उनको सियासत नहीं आती? नहीं, तो अभी भी तो नाको चने तो चबवा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, फिर से रैलियों का सिलसिला शुरू कर दिया उन्होंने। ख्वाब देखने में कोई पाबंदी तो नहीं है, लोग फॉलो करते हैं उनको, उनके जलसों में मजमे आते हैं। जो अपने हर बार जिनको शोर है मेरा, वो नहीं करते, वो नहीं करते। अच्छा दूसरी तरफ भी बात कर लेते हैं ना, नून लीग भी सियासी दंगल में आ रही है, अब उड़ती उड़ती खबरें भी आ रही हैं, कुछ इंटरव्यूज में भी सुनाई दे रहा है कि जी वो भी अब सियासी दंगल में अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर देंगे, चाहे अक्टूबर में हो या मार्च में हो या जब भी हो। नवाज शरीफ साहब कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं? ये देखो जी, कबल वक्त है, उसके मतलब अभी तो उसने अपने केस फेस कर लिए हैं, उसके बाद मतलब कोई जरा कोई राय नतीजा निकलेगा, नहीं कोई राय दे सकता। ठीक है, कबल वक्त राय देना जरा फजूल है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर सड़क से थोड़ा सा इधर आ जाएं ताकि हम ट्रैफिक ना ब्लॉक करें। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका सर? इजाज। इजाज भाई, आपके ख्याल में नून लीग के लिए इस वक्त फेस सेविंग पे नवाज शरीफ को आ जाना चाहिए, क्योंकि लोग तंग हैं नून लीग से, महंगाई, बेरोजगारी, हालात, अब कुछ लोग समझते हैं कुछ लोग नहीं समझते, अपनी अपनी राय रखते हैं। आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब वापस आके बचा सकते हैं? नहीं, नवाज शरीफ को तो अब रिटायरमेंट ही ले लेनी चाहिए, नवाज शरीफ को वापस नहीं आना चाहिए। इतने बुरे हालात है, जो बंदा भाग जाए वो कौन सा लीडर होता है, वो तो भाग गया है, उसको अब नहीं आना चाहिए। इलेक्शन तब होने चाहिए जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसको इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए इलेक्शन के अंदर। ठीक है, इलेक्शन अवाम जो भी कैंडिडेट है, जो भी अपना, वो अवाम के पास आए, जब वो अवाम के पास आएगा, अवाम उसको मुंतखब करेगी, तो फिर ही इस मुल्क के हालात ठीक होंगे। उनको पता है कि हम चोर दरवाजे से, कभी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का सहारा ले गए, कभी ISI का सहारा ले गए, किसी चोर दरवाजे के आ जाते हैं, हमें कोई पूछता नहीं है। जब हम किसी को रिप्रेजेंट करेंगे, कोई नुमाइंदा मुंतखब करेंगे, वो उसको पता है कि कल। अच्छा, 2018 में अवाम ने मुंतखब किया वज़ीर आज़म? बिल्कुल किया, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने। 3.5 साल वो भी ये सुनते रहे कि ये किसी के सहारे पर आए हैं, ये अपने बलबूते पर नहीं आए। आपको पता है अब ये लोग आए हैं, इनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम है कि ये आइनी तरीके से नहीं आए। अब तो ये तो हर मुंतखब नुमाइंदों पर लगता है। ये देखे, नहीं नहीं, ये मुंतखब नहीं, ये चोर दरवाजे से आते हैं। अगर मुंतखब हो तो एहसास होगा। अब आपके मुखालिफ कोई यहाँ खड़ा होगा ना, वो कहेगा इमरान खान साहब, इमरान खान और नवाज शरीफ, वो कोई भी हो, अगर कोई भी बंदा हम जिसे मुंतखब करेंगे, अगर वो इधर आएगा ना तो वो हमारी बात करेगा। हम बुरे हाल है, परेशान, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, ये ऊपर से आ जाते हैं, पता नहीं कौन इनको इधर छोड़ जाता है। जिसको हम मुंतखब करेंगे वो हमारा सोचेगा, वो हमारे साथ खड़ा होगा, वो इनके साथ नहीं खड़ा होगा। कौन से टाइम पे आपने देखा कि आपका आपके इलाके का MNA MP आपके साथ आके खड़ा हो? मेरी उम्र मुझे बताएं, आप उनके गेट पर जाते हैं 2-2 हफ्ते, आपको टाइम नहीं मिलता मुलाकात करने के लिए? यही वजह ना, हम लोग नहीं ठीक। अगर हम लोग ठीक हो तो ये ऐसा ना हो, हमें पता हो कि ये बंदा वोट लेके हम उसके घर के बाहर खड़े हो जाएंगे, ये ऐसा कर रहा है, ये हमें बेच रहा है, वोट लेके। 40 साल हो गए, डोर टू डोर कैंपेन चलती है, घर घर आते हैं लोग। नहीं वो लोग ऐसे नहीं, उसके बाद जब मुंतखब हो जाते हैं गायब हो जाते हैं। डोर टू डोर ऐसी होती है, कुछ लोग आते हैं वो ब्रादरीज़म के, कुछ वैसे ही वो मतलब वही कह रही हूं ना, इलेक्शन कैंपेन में आते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। शोर नहीं है ना, यही हमें शोर नहीं है। हकीकी बात कर लेते हैं,
जमहूरियत में टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए, आपके ख्याल में क्या हुकूमत अगर जमहूरियत इलेक्शन अनाउंस कर देगी खान साहब की डिमांड पर? जमहूरियत हो टाइम से होना चाहिए, इलेक्शन का मतलब ये है इलेक्शन जब भी हो वो अवाम मुंतखब करे। सर क्या हाल है आपके? इस वक्त मुल्क की सियासत में हर कोई सियासत कर रहा है, कुछ इकतदार में है कुछ अपोजिशन में बैठे हुए हैं, सूबाई हुकूमतें अपना अपना काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, आवाम बेचारे रो रहे हैं। आपके ख्याल में इस वक्त अर्ली इलेक्शन हो जाने चाहिए? तरीके साहब फिर से रैलियाँ निकाल रही है, एहतजाज कर रही है। तरीके जो है तरीके इंसाफ जब इकतदार में थी इसने क्यों नहीं इलेक्शन कराया? दूसरी पार्टियाँ कहती थी इलेक्शन कराओ, तो भाई एक आयन है मुल्क का, 5 साल बाद इलेक्शन होने चाहिए। ये 3 साल रहा है इमरान खान साहब, 3 साल में ये इलेक्शन करा देता। जब ये इक्तदार से बाहर हुआ तो उसने कहा इलेक्शन करा दो, इलेक्शन तो आयन के मुताबिक होंगे, 5 साल पूरे होने चाहिए, ये भी पूरे करता। मुल्क को खा जाएंगे जब तक, अगर आयन का टाइम पूरा होगा वफाकी हुकूमत खा जाएगी मुल्क। खाने वाले तो रिटायर होकर चले गए हैं, उनसे ले ना, कभी किसी ने उनको अदालत में बुलाया है कटहरे में बुलाया है तो वो तो खा कर चले गए हैं। जिनको बुलाया भी है उनको भी आप साबित नहीं कर सके, वो भी साबित नहीं कर सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपको लगता है कि अब नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए सियासत में? शरीफ को आना चाहिए, सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। काम किए हैं, आप मोटर वे जिधर भी जाए सड़कों के जाल बिछाए हैं, एटम बम चलाया उसने, सब कुछ किया है, लेकिन कारगिल के मुहाजे भी नवाज शरीफ ने स्टैंड लिया था, ये तो बाकी सब लोग घुटने। दूसरी बात बेटे ये है कि पाकिस्तान जो है ये अमेरिका की एक रियासत है। अच्छा, पाकिस्तान तो आजाद मुल्क नहीं है, फिर खान साहब सही कहते हैं, हम बिल्कुल गुलाम सही हैं। कहता है वो अमेरिका की रियासत है और एक जो मखसूस अदारे इस मुल्क को चला रहे हैं उनको अमेरिका ने काबू किया हुआ है। अच्छा, वो जब चाहता है जिधर चाहता है उनको। तो फिर सही जिहाद लड़ रहे हैं ना खान साहब हकीकी आजादी के लिए? नहीं, वो पहले वो भी उधर से ही आया है ना। अच्छा, वो भी अमेरिका के कहने पे आया है, अब तो नहीं है, अब तो अगेंस्ट चल रहे हैं। अब क्या फिर वो कहेंगे तो आएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये अमेरिका की रियासत है। अच्छा, आजाद पाकिस्तान मान लेना नहीं चाहिए हमें, हम मान लेना चाहिए। ठीक है, मान लेना चाहिए जी, हम आजाद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? आप बड़े गौर से बातें सुन रहे थे, मैंने कहा आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूँ। आपके ख्याल में खान साहब कह रहे हैं मुझे मार्च 2023 की डेट दे दें, इलेक्शन हो जाने चाहिए मार्च 2023 में, तो मुल्क बच सकता है वरना मुल्क के बुरे हाल हो जाए। अगर तो मार्च के एंड तक आप तैयार हैं इलेक्शन के लिए तो हम रुक जाते हैं। नहीं भाई, नहीं इतना भारी, ये क्या किया आपने, जरा दोबारा करके दिखाएं, माफी ले लिया आपने? हमें इसे माफ करें बस। कैसे? ये सारा कुछ बेरागर करके चला गया, अब कुछ भी नहीं बचा तो ये इन्होंने आगे संभाला है, आप इनको ठीक करने दे। संभाला इन्होंने? हाँ जी, हालात कुछ बेहतर हुए हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, इसने हमें सारा घी पीछे लगा दिया, आटे पीछे लगा दिए, इसने खाना खराब किया हुआ है, और कोई सारा यही है, हम रोटी पीछे भाग रहे हैं और क्या। सब लोग रोटी पीछे भाग रहे हैं, बात तो आपकी ठीक है, तो आपको एतमाद है कि नून लीग रिलीफ पीडीएम रिलीफ देगी? इंशाल्लाह देगी, इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए? इंशाल्लाह आएगा। ना आए तो आएगा, लोग कहते हैं जो भाग गए वो नहीं आएंगे, आएगा इंशाल्लाह आएंगे। पहले केसेस फेस करेंगे या सियासत करनी चाहिए उन्हें? आना तो उनको सजा हुई है ना, जाएंगे तो जेल, केस के तो फिर जाना तो चाहिए ना, आना चाहिए, वापस आना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने हालात का रोना भी रो रहे हैं कि महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि हमें नहीं लेना देना सियासत से, महंगाई कम करें, रोज़गार के मौके पैदा करें, मुल्की मुआशी हालात बेहतर हों तो हम फिर डिसाइड कर सकते हैं कि हम किसके साथ खड़े हैं या नहीं। कुछ लोग ऑब्वियसली किसी पार्टी को जब सपोर्ट करते हैं तो उसको डिफेंड करने के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने रखते हैं। एक और भाई यहाँ पर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस। अवैस भाई मुझे बताएं, इस वक्त सियासत चल रही है हर तरफ और हर सियासी जमात सियासत ही कर रही है, आपके ख्याल में मुल्क को इस वक्त क्या बचा सकता है? मुल्क को यहाँ पर कोई नए आने की ज़रूरत है, कोई पब्लिक में से आएगा तो ये काम होगा, हमारी सियासत तो अच्छी होगी। पब्लिक से आए ना खान साहब? पब्लिक से आए नहीं, से क्रिकेटर और जो हमारे पुराने वाले हैं वो एज यूजुअल चल ही रहे हैं, जिनको एक दूसरे के खिलाफ ही ये लोग यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को मसलन अल्फाज भी नहीं कहे जा सकते जो एक दूसरे के बारे में ये कह रहे हैं। सो एक नॉर्मल बंदा हो जो उठे, जो इस चीज़ को समझे
और इस चीज के आगे लेके चले। अच्छा, मुझे आप ये बात समझाएं कैसे। मुझे आपका ये सिनेरियो ना बड़ा आइडियल लग रहा है। उसकी रीजन ये है कि आपने एक एमपी या एमएनए का इलेक्शन लड़ना होता है, आपकी जेब में करोड़ों रुपए होने चाहिए उस कैंपेन को चलाने के लिए। एक आम आदमी के पास दो वक्त की रोटी पूरी करने के लिए पैसे नहीं है। इलेक्शन कैंपेन्स कैसे चलाएंगे, कैसे वो सिस्टम का हिस्सा बन इन पार्टीज के अलावा आगे आए? वो आ ही नहीं सकता। मैं अपनी बात पे ही पीछे जाऊंगा फिर। हाँ। वो इसलिए नहीं, मैं आपसे कहूँ आप आ जाएं। वो इसलिए नहीं आप आएंगे, नहीं आ सकते। नहीं, वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि उसके पास आप वाली बात है, उसके पास इतने वसाइल नहीं है। और जिसके पास वसाइल हैं उसके वसाइल इतने लामहदूद हो गए हुए हैं, इतने महदूद कर दिए गए हैं कि वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता है महंगाई की वजह से। फिर क्या करें, फिर तो हमें मौजूदा सिस्टम के साथ ही चलना पड़ेगा ना, फॉर नाउ। सो आपके ख्याल में मौजूदा सिस्टम में अर्ली इलेक्शन अभी हो जाने चाहिए या जमहूरियत रहनी चाहिए और टाइम जो है वो आगे निकलना चाहिए, पूरे टाइम पे होने चाहिए? इलेक्शन ये हो भी जाएंगे तो ये मसले इस तरह के इस तरह ही रहेंगे। अच्छा, ये मसले ठीक नहीं हो सकते, नहीं ठीक होंगे ये मसले। उम्मीद छोड़ दें फिर हम? नहीं, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद किसे छोड़ सकते हैं। लेकिन ये हम एक दूसरे से उम्मीद लगा सकते हैं, इन लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती, कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। बहुत शुक्रिया भाई, आप हमारे साथ मौजूद। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? नजर हुसैन। नजर हुसैन साहब, वोट कास्ट करते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। किसको देते हैं? वोट नवाज शरीफ। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब को वोट डालते हैं? हाँ जी। नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए? इंशाल्लाह ताला आएगा, और ऐसा आएगा जो सब नु पता लग जाएगा भाई किस तरह आंदा। डंके दी चोट ते आंगे आएगा ते उनानु ते सजा हुई हुई है, आधे सारी जेल चले गए। फिर वो सजा सुजू सिर्फ एक साकिब निसार दा ड्रामा सी ते इमरान खान दा। अच्छा, ते उनां दा ड्रामा हुण बिल्कुल नंगा हो गया। अल्लाह नबी की बरकत नाल नवाज शरीफ वापस आएगा और दसेगा भाई पाकिस्तान दे विच किस तरह हुकूमत होंदी है। अच्छा, हां नवाज शरीफ साहब दसन गे इंशाल्लाह ताला। हले भी तो नवाज शरीफ साहब दी हुकूमत च चल रही है ना? नहीं, बरकत दे चलन दी है, जदों पंजाब दी हुकूमत आएगी ना फिर पता चलेगा। खुशहाल है सी पंजाब इंशाल्लाह ताला। नवाज शरीफ दे दौर च जो घी सी ना ओ 175 रुपए किलो मिलता है। इमरान खान साहब भी तो यही कहते हैं, मेरे दौर से सस्ता सी, हुन के ओ होर महंगा हो गया। इमरान खान दे दौर 350 रुपए किलो मिल रहे हैं, 500-600 रुपए तक पहुंच गया। ए देख खूब खट्टे हुए जेड़ा ना पूरन डे ना। अच्छा, इंडिया मेहरबानियां ने ए जेड़ा 4.5 सालें जेड़ी दो दिया नहरा बहा के गया, ओही जेड़ा ना ओ वेखण डे आवे किथे नहरा बाई है। ते खान साहब कहते ने इलेक्शन करा दियो, दूध दा दूध पानी दा पानी हो जाएगा। तोड़े असेंबलियां क्यों नहीं तोड़दा? उन्होंने कहा असेंबली तोड़ जे अपना असेंबली तोड़। मैं इमरान खान को चैलेंज करता हूं कि खान साहब अगर मगर को छोड़ें, असेंबली तोड़ें। नहीं नहीं, लीडर जेड़ा यू टर्न लवे, जेड़ा पैर पैर ते सुबह झूठ शाम नु कुछ रात नु कुछ, वो लीडर नहीं हो सकता। लीडर सिर्फ पाकिस्तान के तीन सन। अच्छा, पहला नंबर जुल्फकार भुट्टो, दूसरे नंबर ते बेनजीर, तीसरे नंबर ते नवाज शरीफ, बाकी सब छान बुरा है। अच्छा हाँ जी, चलो नवाज शरीफ साहब दे फैन भी लग दे तुसी मैनू इंशाल्लाह। ए तड़ा कैमरा जे सोचो नवाज शरीफ साहब तानू वेखन दे ने, की कहोगे तुसी? मियां साहब तानू ताडी अजमत नु साडा सलाम है, पाकिस्तान वापस आ जाओ और ताड़े बिना ये पाकिस्तान नहीं सुधर सकता। तुसी आओगे तो इंशाल्लाह ताला मियां साहब पाकिस्तान आ साड़ियां दुआवां तेरे नाल हैं। आ जेड़ा इमरान खान लटर पटर नथू ऐरा वैरा वाल दा खैरा, ये तेरा कुछ वाल तक नहीं विंगा विंगा बिगाड़ सकदे। अच्छा, ए या 9 साल मुशरफ ने की किता? अरे 4.5 साल च इन्हें झूठ तू झूठ झूठ तू झूठ मार मार के। नवाज शरीफ साहब के फैन मियां साहब आपको मैसेज भी दे रहे थे और अंकल इमोशनल और भी हो रहे और थे बात भी है। और आपकी अजमत और सलाम भी कर रहे थे। एक बात और इमरान खान साहब ने मैं कह देना जी जी, और आपके मीडिया के जरिए इमरान खान इमरान खान ए मैं कहना भाई तेरी बेड़ी नु छेक करन वाले सिर्फ चार बंदे, पहला नंबर शेख रशीद, दूसरे नंबर से फवाद चौधरी, तीसरे नंबर से बाबर अवान, चौथे नंबर से चौधरी परवेज जिलाई। इन्हों इमरान खान इन्होंने जेड़ा ना पाकिस्तान एंड इमरान खान का पता कितने होना, ये आज मैं तेनू तेरे मीडिया के जरिए कह रहा हूँ। इमरान खान का कोयटा जेल के बेच बैरक च बुलेट प्रूफ शीशे लग चुके। तुम्हें लगता है उनकी टीम चंगी नहीं सी? ओ तेरे नाम तो सिर्फ टीम चंगी नहीं है। अच्छा, गाल सुन। चलो एक तरीके से गाल सुन, ओ बाहर मुला चिक गाल 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 करन दियो ना, आ जा इधर आ। कोई गाल नहीं, लड़ाई नहीं होती अंकल, लड़ाई नहीं होती, बात तो करने दे। ओ तड़ा कर जा, बात तो करने दे।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਨਾ ਦੱਸੋ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕ ਚ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਆਪਕੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਲਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਖਾਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਖਾ ਉਹ ਗੜੀ ਚੋਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੈਮ ਚੋਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮ ਚੋਰ ਹੋ ਡੈਮ ਚੋਰ ਗੜੀ ਚੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਖਾਨਾ ਚੋਰ ਹੀਰੇ ਚੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ ਚਲੋ ਚਲੋ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੰਕਲ ਚਾਚੂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਰਾਮ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੇ लड़ाई कराना ना मेरा कभी मकसद रहा है और ना मैं इस चीज़ को इनकरेज करती हूँ लेकिन आप देखेंगे मार्केट में क्लियरली डिवीज़न नज़र आ रही है कि कैसे पीटीआई के सपोर्टर नून लीग के सपोर्टर लेकिन ये जो अंकल थे मैंने उनको करीब से देखा है एक्चुअली उनकी आंखों में आंसू आ गए बड़े इमोशनल हो रहे थे मियाँ साहब का जिक्र करते हुए तो मेरे ख्याल से मियाँ साहब को सुन लेनी चाहिए अपनी फैंस की वापस आना चाहिए ना सिर्फ अपने सज़ा और अपने मुकदमात को फेस करना चाहिए बल्कि लोग उनसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं और कहते हैं कि वो वापस आएँ शायद हालात बेहतर कर दें दूसरे पीटीआई के लोग कहते हैं वो वापस आएँ आए ना जी आना चाहिए उनको क्यों गए हैं मुल्क से बाहर वो ये कहते हैं आवाम जो कहती है वो मैंने आपके सामने रख दिया डिसाइड आपने करना है आप किस तरफ खड़े हैं इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़।